नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। एक तरफ जदयू जोर तोर की कोशिश कर रही है, अपने पाले में वो कई विधायकों को कर चुकी है। बात कर ले बसपा की, तो बसपा के विधायक भी जदयू में शामिल हो गए हैं। निर्दलीय विधायक सुमित सिंह, जो चकाई से जीते थे, जमुई के चकाई से, उन्होंने भी अपना समर्थन दे दिया। अब एलजेपी पर नजर है जदयू की। तो एक तरफ आपको बता दे कि जदयू में बड़ी टूट होने वाली है। जी हाँ, जदयू के कितने विधायक, मतलब जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं कि 18 से 20 विधायक जो हैं वो कांग्रेस के संपर्क में हैं, कांग्रेस ने दावा किया है, आखिरकार क्या कुछ खबर है? चलिए अनुराग से जानते हैं। बिल्कुल स्नेहा, आपने सही कहा कि जेडीयू जो इस तरह से विस्तार कर रही है अपनी पार्टी का, अपने विधायकों का, जिस तरह से पिछले दिनों देखा आपने कि जमा खा जो बसपा के थे वो जेडीयू में शामिल हो गए, निर्दलीय सुमित सिंह अपना खुलकर समर्थन दे रहे हैं जेडीयू को, उसके अलावा एलजेपी विधायक जो राजकुमार सिंह है उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात की। इतना ही नहीं, AIMIM के 5 विधायक भी नीतीश कुमार से जाकर मिले, और अब कल रात के अंधेरे में उपेंद्र कुशवाहा ने भी नीतीश कुमार से मुलाकात की। तो आप समझ सकती हैं इसने कहा कि जेडीयू के अंदर अपना कुनबा को बढ़ाने के लिए कितनी अब जोर आजमाइश की जा रही है। तमाम वो प्रयास किए जा रहे हैं कि कुनबा मजबूत हो सके, खासकर लौकुश समीकरण पर ज्यादा ध्यान है नीतीश कुमार का, और उपेंद्र कुशवाहा पर भी नजरें टिकी थी और उन्होंने मुलाकात की है, और ये माना जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी का विलय कर लेंगे नीतीश कुमार के साथ। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा मुलाकात के बाद, पर ये बातें कयास लग रही हैं। तो स्नेहा, इतना जब बड़ा प्रयास हो रहा है जेडीयू की तरफ से, जेडीयू की तरफ से तमाम प्रयास किया जा रहा है कि पार्टी की अस्तित्व बढ़ाया जाए। खबरें ये भी थी कि कांग्रेस को तोड़ने की फिर आग में लगी हुई है जेडीयू, कांग्रेस के विधायकों पर भी नजर है और संपर्क में है जेडीयू के विधायक। तो इस बीच जहां कांग्रेस को तोड़ने की खबरें आ रही हैं, उस बीच एक कांग्रेस विधायक, कांग्रेस के कद्दावर दबंग विधायक ने दावा कर दिया है कि जेडीयू के 18 से 20 विधायक हमारे संपर्क में हैं। स्नेहा, दावा कर दिया उन्होंने कि 18 से 20 विधायक संपर्क में हैं। क्या कुछ कह रहे हैं जो मुन्ना तिवारी बक्सर से विधायक है, पहले सुनिए उनकी। आप हमारे आदरणीय प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव बोलते हैं और हंसते हैं तो नीतीश जी कैसे बरसते हैं ये आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा? देखा ना? तो नेता प्रतिपक्ष का ये काम है, और हम लोग नेता के अंदर में रहकर काम करने के लिए जज्बा पाल के रखे हैं। हम लोग जहाँ हैं हमारा स्टैंड वहाँ बरकरार है और हम मजबूती के साथ हैं। इंजीनियर संजीव सिंह, श्याम प्रसाद जी जो इंजीनियर श्याम प्रसाद सिंह नाम है इनका, संजीव प्रसाद संजीव श्याम सिंह को मैं चैलेंज करता हूं कि उनके जदयू के 18 से 20 विधायक हम लोगों के संपर्क में हैं नेता प्रतिपक्ष के, और जिस दिन ये कमजोर हुए उस दिन 18 से 20 विधायक टूटेंगे और हमारे गठबंधन में आएंगे और हमारी सरकार बनेगी। हम लोगों ने कह दिया है दिवाली का पटाखा तो फोड़ लो आप, लेकिन होली का जश्न हम मनाएंगे। इसलिए इस बात को आप ये धरोहर के रूप में रखिएगा, होली का जश्न महागठबंधन मनाएगा इस बिहार में, और दूसरा कोई दल मनाने वाला नहीं है, और हम जहां हैं वहीं अस्तित्व। तो सुना आपने कि मुन्ना तिवारी कह रहे हैं कि 18 से 20 विधायक जेडीयू के जो हैं वो हमारे संपर्क में हैं। पर स्नेहा, खबर इतनी ही नहीं है, जो कांग्रेस के विधायक दावा जरूर कर रहे हैं मीडिया के सामने, पर सच्चाई कुछ और है स्नेहा। दरअसल ये जो है कांग्रेस के विधायक मुन्ना तिवारी, उनसे जेडीयू एमएलसी जो हैं उन्होंने बंद कमरे में मुलाकात की है। जी हाँ, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि जेडीयू एमएलसी मनीष कुमार और मुन्ना तिवारी की बंद कमरे में मुलाकात हुई। मतलब कहीं ना कहीं जेडीयू की तरफ से प्रयास जारी है कांग्रेस को विधायकों को तोड़ने का भी, पर इस बीच कांग्रेस विधायक उलट दावा कर रहे हैं कि वो 18 से 20 विधायक जेडीयू के हैं, उनके संपर्क में हैं, कांग्रेस के संपर्क में हैं। अब ये सच्चाई क्या है स्नेहा? ये तो दावा है, दावा में कितना दम है, पर कहीं ना कहीं अगर जेडीयू एमएलसी से बंद कमरे में मुलाकात हो रही है तो समझा जा सकता है स्नेहा कि जेडीयू की नजरें कांग्रेस के विधायकों पर भी टिकी हुई हैं। मुन्ना तिवारी से भी संपर्क किया गया है, क्योंकि खबरें जो आ रही हैं बक्सर से कि जेडीयू एमएलसी ने बंद कमरे में उनसे मुलाकात की है।
मुलाकात की क्या बात हुई ये तो नहीं बता सकते, पर जब मुन्ना तिवारी जो सामने आकर मीडिया के सामने आकर उलट में दावा कर रहे हैं कि हमारे जो कांग्रेस जो है कांग्रेस के संपर्क में है जेडीयू के 18 से 20 विधायक के टूटने का वो दावा कर रहे हैं, तो ये बड़ा दावा कर रहे हैं। हालांकि ये जरूर समझा जा सकता है कि जेडीयू ने जिस तरह से हाल के दिनों में विधायकों को तोड़ा है तो कांग्रेस के अंदर भी सेंध लगाने की तैयारी जारी है। स्नेहा बिल्कुल, तो इस खबर को कहीं ना कहीं उल्टा कर दिया है मुन्ना तिवारी ने और सीधा बताया है मुन्ना तिवारी ने कि जदयू के विधायक कांग्रेस के संपर्क में। हालांकि मुलाकात तो जदयू के नेताओं से की जा रही है, कांग्रेस एमएलसी की मुलाकात हो रही है, तो समझा जा सकता है कि अंदर खाने में बड़ी सियासी खिचड़ी पक रही है। हालांकि कौन किसको तोड़ता है ये तो आने वाले वक्त में पता चल ही जाएगा, लेकिन मुन्ना तिवारी के दावों में कितना दम है ये देखने वाली बात होगी आने वाले दिनों में। तो इसलिए हाँ बिल्कुल, जो जिस तरह से अब बात बन रही है कैबिनेट एक्सटेंशन की, जो खबरें आ रही हैं कि बीजेपी आज बैठक कर रही है, बीजेपी के तमाम जो बिहार के लीडर्स हैं वो पहुंचे हुए हैं, आलाकमान से बात हो रही है दिल्ली में। इस बीच बात ये आ रही है सामने कि जल्द ही कैबिनेट का एक्सटेंशन किया जाएगा और नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच बात बन गई है, 50-50 के फॉर्मूलों पर सब कुछ सेट हो गया है, ये खबरें आ रही है अंदर खाने से। इस बीच कांग्रेस विधायक का ये दावा 18 से 20 विधायक जेडीयू के संपर्क में है, शायद हो सकता है कि मामले को उलझाने के लिए हो। स्नेहा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जेडीयू एमएलसी से बंद कमरे में उन्होंने मुलाकात की है और पिछले दिनों ये खबरें आ भी रही थी, हम आपको बता भी रहे थे कि कांग्रेस जिस तरह से जेडीयू की नजरें जो है कांग्रेस के विधायकों पर है। खबर ये भी है कि 11 विधायकों को मना लिया गया है पर 1/3 यानी मतलब कि 2/3 जो है यानी 19 विधायक में से कम 14 विधायक जेडीयू को चाहिए, तो जो 2-3 विधायकों के जुगाड़ में जेडीयू लगी है ये खबरें हैं हम आपको बता रहे हैं। पर इस बीच जो है इसके उलट ये दावा कर रहे हैं कांग्रेस के विधायक कि 18 से 20 जेडीयू के विधायक उनके संपर्क में हैं। स्नेहा बिल्कुल, तो ये तो आने वाले वक्त में पता चल ही जाएगा। हालांकि कैबिनेट विस्तार को भी लेकर के सहमति बन गई है जिस तरह से अनुराग ने बताया है, तो जल्द ही बिहार में कैबिनेट विस्तार होने वाला है। उससे पहले क्या कुछ सियासी खेल होता है, कांग्रेस टूटती है या फिर जदयू टूटती है, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो हमारे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, लाइक करें और यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।